बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए एक बार हम फिर से कराए गए कविता का अभ्यास करेंगे, जो कविता है बंदर मामा पहन पजामा। तो चलिए हम शुरू करते हैं उस कविता को। तो ये रहा आप लोगों के सामने आपका बंदर मामा। तो चलिए, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, रसगुल्ले पे जी ललचाया मुँह में रखा गप से, रसगुल्ले पे जी ललचाया मुँह में रखा गप से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई पक से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई पक से, बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए, बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए, फेंका टोपी फेंका जूता रोए और पछताए, फेंका टोपी फेंका जूता रोए और पछताए। तो इस कविता का हमें घर पे अभ्यास करना है और आज आप लोगों के सामने एक नया व्यंजन आने वाला है जो आप लोगों से दोस्ती करेगा। तो वो व्यंजन है व्यंजन क। क से कमल, क से कलश, क से कबूतर। और कविता क्या है? क से कमल का फूल खिला, क से कमल का फूल खिला, हाथ में लेकर सबको दिखा। तो आप लोगों को इस कविता का घर पे अभ्यास करना है और क से संबंधित वस्तुओं को ढूंढ के अपने मम्मा पापा को बताना है। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों।